भाई कभी भी आए तो ध्यान रखे, येलो लाइन से अंदर चलना है आप। कोई बात नहीं मेरे बॉस। तो ये है भाई लीनिंग टावर ऑफ पिज़ा, ये एक गलती का नतीजा है। ओए ओए देख भाई ने क्या खींची है। वाह भाई मजनू भाई कमाल कर दिया भाई। कभी कभी गलतियों से भी फायदे हो जाया करते हैं, और ऐसी ही एक गलती की वजह से इटली का पिज़्ज़ा शहर पूरी दुनिया में मशहूर है। और वो गलती हुई इटली के पिज़्ज़ा शहर में लीनिंग टावर बनाने वाले आर्किटेक्ट से, जो इमारत बनाते हुए यह अंदाज़ा नहीं लगा पाए कि उस इमारत के नीचे की जो सतह है वो बहुत नरम है, और अपने निर्माण के 5 वर्ष के अंदर ही वो टावर एक तरफ को झुक गया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं लीनिंग टावर ऑफ पिज़्ज़ा की, जो आज एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है और लाखों लोग प्रतिवर्ष जिसे घूमने जाते हैं। तो आज हम भी जा रहे हैं इटली के पिज़्ज़ा शहर में लीनिंग टावर ऑफ पिज़्ज़ा को देखने। तो जय हिंद, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल और सबको राम राम। और फिलहाल हम हैं इटली के फ्लोरेंस शहर में, और यहाँ से हम जाएंगे पिज़्ज़ा यहाँ से है 90 किलोमीटर की दूरी पे, और हम लेने वाले हैं ट्रेन। और हमारे साथ हैं मैडम जी, यश, आज भाई और मैंने सेम ड्रेस पहनी है भाई, ऑरेंज ऑरेंज, और एक और है पनी है हमारा प्यारा मन्नी ने भी भाई कुछ कुछ सेम पहना है सफाई होते हुए। और अभी बजे सुबह के 8, हमने ट्रेन पकड़नी है यहाँ से 8:28 की, जो हमें पिज़्ज़ा 1 घंटे में पहुँचा देगी। तो चलते हैं जल्दी जल्दी अभी। और ये है मशहूर डुओमो कैथेड्रल, जो कि बहुत मशहूर है फ्लोरेंस में। सुबह सुबह का टाइम है, अगर आप भी आएँ तो सुबह सुबह आ जाएँ, थोड़ा फ़ोटो खींचने का अच्छा चांस रहता है। भाई हम पहुंच गए, हमारी ट्रेन है 8:28 की, ट्रेन का नंबर है 4017। पर कभी भी आप आएँ तो टाइम से देख लेना ट्रेन आपका, जैसे हमारा टाइम है 8:28, तो एक ही ट्रेन है 8:28 की, नहीं तो आप कंफ्यूज होते रहोगे, ढूंढते रहोगे, पूरे चार्ट में कभी नहीं ढूंढना होता। पहले अपना टाइम देखो, फिर आप कन्फर्म कर लो आपकी ट्रेन का नंबर वही है या नहीं। हमारी ट्रेन का नंबर कन्फर्म हो गया, प्लेटफॉर्म नंबर है 6, हम पहुँच रहे आगे। तो यह प्लेटफॉर्म नंबर 6 और हमारी ट्रेन, वेट करते हुए 8:20 हुए अभी सुबह के। मन्नी हमारा ऐसा मास्टर हो गया ना फोटो क्लिक करने में, देखो ना क्या फोटो क्लिक कर रहा है भाई। तो भाई 8:30 पे ट्रेन चली है 2 मिनट बाद। ये है फिरेंजे स्टेशन फ्लोरेंस, फिरेंजे भी कहते हैं फ्लोरेंस, कभी आप देखेंगे तो फिरेंजे के नाम से भी आएगा, तो थोड़ा कन्फ्यूज ना हो, फिरेंजे ही फ्लोरेंस। भाई हमारा स्टॉप आ गया है, और जो है पिज़्ज़ा सेंट्रल। भाई कभी भी आए तो ध्यान रखे, येलो लाइन से अंदर चलना है आप, उधर थोड़ा सा खतरा रहेगा नहीं तो, और जिधर सारी भीड़ जा रही हो उधर मत उतरना, सामने वाले से भी नीचे उतर सकते हैं आप। भीड़ भाड़ वाली जगह पे ज़रा ध्यान से, भाई को हमने आगे बैग पहना दिया अब, क्योंकि आप में से बहुत से लोगों के कमेंट आए थे कि भाई इटली में थोड़ा ध्यान रखना चोरी चकारी का। वैसे ऐसी कोई दिक्कत हुई नहीं है, 7-8 दिन हो गए, कुछ लगा नहीं ऐसा, लेकिन फिर भी आप लोगों का एक्सपीरियंस अगर कुछ है तो उसे मानना चाहिए, नहीं तो नुकसान उठा जाएंगे भाई। तो हम निकल आए हैं बाहर, और यहाँ से हम सिंपल सा तरीका है गूगल मैप करने वाले पिज़्ज़ा के लिए। 1.something किलोमीटर है यहाँ से, तो लीनिंग टावर ऑफ पिज़्ज़ा हम जा रहे हैं। हाय गाइस, तो ये सारे बच्चे स्कूल के हैं। तो भाई ये है पिज़्ज़ा सेंट्रल स्टेशन, और यहाँ से लीनिंग टावर ऑफ पिज़्ज़ा है 1.7 किलोमीटर,
22 मिनट बाय वॉक, तो हम आराम से इस शहर को घूमते हुए लीनिंग टावर ऑफ पिज़्ज़ा पहुंचेंगे। क्या हुआ मंदी को, क्या लेने गया था? कोक। चल लेते हैं भाई, एक कॉफी कैपेचिनो लिया 2.5 यूरो की। उसकी वजह है कि बच्चों को जाना था वॉशरूम और इन्होंने कहा भाई पहले कुछ ले लो। मैडम बाल संवारते हुए और हम कॉफ़ी लेके जाते हुए। काट लिया खुद की उंगली। कोई बात नहीं मेरे बॉस, कोई बात नहीं, ले बैंडेज ले तो ली, अभी तक ठीक हो जाएगा। अभी तक बैंडेज भी भाई 2 यूरो की है। बॉस ने उंगली काट ली है कोक के कैन से। कोई बात नहीं मेरे, ये तो हमारा मन्नी है यार, इतना ज्यादा पावरफुल है ये तो। हमारा पावरफुल था और वो भी घबरा गया। बस हो गया ले। अब केक भी हो गया। कोक मैं पी लूं क्या? नहीं, ये रख लेते हैं, ये बहुत सारी है, रख ले। हंस रहा है या रो रहा है? पहले तो ये बता, कमाल का कंटेंट है तो कंटेंट बन गया मन्नी। चल कोई बात नहीं बेबी। अरे यार ये तो चलता रहेगा, लगता रहेगा, ब्रेव बॉय है हमारा मन्नी तो। पैसे खर्चे बिना इनकी सुबह नहीं हो रही भाई। 10 यूरो तो इनको निकलते हुए चाहिए और 10 यूरो में पूरा व्लॉग बन जाता है। तुझे पता व्लॉग वायरल कैसे होगा? तू तो कंटेंट पिटवाएगा। क्यों भाई वायरल ऐसे होता है? 10 यूरो में एक दिन यूरोप का, 10 यूरो में यूरोप का ही ट्रिप मार लिया, ऐसा होता है। ये सुबह सुबह मारे बॉस। नहीं भाई नहीं, कोई बात नहीं, तू कुछ नहीं कर रहा खर्चा, मौज ले तू, तो हमारा बॉस है सबका। आराम से आ जा। और इस स्क्वायर से आपको लेफ्ट जाना है, पिज़्ज़ा की सब जगह फोटोज लगी हुई हैं। और ये स्क्वायर से जब ये ओल्ड कोई चर्च टाइप है ये दिखेगी, तो आपको जाना है इस साइड और फिर एक ये चर्च और जाना है उधर। मतलब आप यार गूगल मैप निकाल लोगे तो अपने आप बता देगा रास्ता। और बाय द वे इंटरनेट वगैरह आपका नहीं चला तो फिर ये रास्ता जा रहा है आपका लीनिंग टावर ऑफ पिज़्ज़ा की तरफ। भाई वैसे मन्नी के फेवरेट हैं ओरियो। मन्नी को 10,000 ओरियो भेज देंगे लोग, पता है मन्नी रोएगा तो। 10,100 कौन सी काउंटिंग होती है? वो मन्नी की स्पेशल काउंटिंग है। K1 से भी ज्यादा होता है। कितने? K1 से भी ज्यादा होते हैं। K1 से भी ज्यादा? K1 से भी ज्यादा बहुत होते हैं। K1 अच्छा, उससे भी ज्यादा है। चल ठीक है भाई, ऑलमोस्ट अल्टीमेट तक है। हां ओके, तो अल्टीमेट ओरियो ला देना भाई मन्नी को, सारे लोग भेज देंगे आपके लिए। ठीक है, एक बार बच्चो रेट देख लो। बीच में आएगा ये ब्रिज और ये रिवर भी है आर्नो रिवर, जो फ्लोरेंस में हमने देखी थी। ये यूरोपियंस ना यार, इनके रिवर के आसपास वाला जो एरिया होता ना वो बहुत खूबसूरत होता है। और सामने दिख रहा है पिज़्ज़ा कैथेड्रल कॉम्प्लेक्स। तो ये है भाई लीनिंग टावर ऑफ पिज़्ज़ा, ये है टावर, ये कैथीड्रल और ये है बैप्टिस्ट्री।
तो ये तीन चीज़ें हैं कॉम्प्लेक्स में। अगर आपको अंदर देखने जाना है तो 27 यूरो अडल्ट की टिकट है और 11 साल से नीचे का बच्चा जो है वो फ्री है, और आपके साथ अगर छोटा बच्चा है तो वो ऊपर नहीं जा सकता, 8 साल से नीचे के बच्चे को नहीं जाने देते। लगभग 300 सीढ़ियां हैं इसके अंदर ऊपर जाने के लिए। तो हमारे साथ छोटा बच्चा है, अंदर जा नहीं रहा, इसमें वैसे भी यहीं से लोग फ़ोटो खिंचवाते हैं। और आपको मैंने बताया था ये एक गलती का नतीजा है, जो आर्किटेक्ट थे उनको नहीं पता था कि ये नीचे की जो धरती है, जो सॉइल है वो नरम है। उन्होंने इस टावर का निर्माण करना शुरू कर दिया और बनते बनते 5 साल बाद ये डिक्लाइन हो गया, और भी बहुत सारा इतिहास इसके साथ फिर जुड़ता चला गया। और ये बनाया इसलिए गया था क्योंकि पीज़ा भी एक धनी शहर था उस ज़माने में। 1173 में इसका निर्माण शुरू हुआ था और उस समय पीज़ा एक धनी शहर था और फ्लोरेंस भी एक धनी शहर था, तो आपस का जो कंपटीशन था और एक दूसरे से सुपीरियर होने के लिए ऐसी चीज़ें करते रहते थे, बनाते रहते थे। तो पीज़ा शहर वालों ने ये टावर वगैरह बनाना शुरू किया था 1173 के बाद। 1178 में ये टावर थोड़ा सा एक और को झुक गया और उसको सीधा करने की बहुत कोशिश की गई लेकिन नहीं हुआ। उसके बाद एक बार मुसोलिनी ने भी सोचा कि भाई ये जो टावर है ये इटली के लिए एक बेइज्जती है, मतलब टेढ़ा होना, इसे सीधा करो किसी भी तरह से। तो वो सीधा होने के लिए कोई हजारों टन इसके नीचे दोबारा से कंक्रीट भरवाई गई, लेकिन फिर भी ये सीधा नहीं हुआ क्योंकि शायद इसका टेढ़ा होना इटली के लिए अच्छा रहा होगा। उसके अलावा 1990 के आसपास ये भी रहा कि ये कभी गिर सकता है, तो ये कॉम्प्लेक्स बंद कर दिया गया। और शायद फिर 2003 में 13 साल बाद दोबारा ओपन किया गया, जब ये पुष्टि हो गई कि ये टावर नहीं गिरेगा, ये अपनी जगह पर मजबूत हो चुका है, जो नीचे की इसकी सॉइल है वो इतनी मजबूत हो गई है कि इसको झेल लेगी। तो इसमें 1 2 3 4 5 6 7 तो इसमें 7 मंजिलें हैं और आप देख सकते हैं कि लोग यहीं से फ़ोटो क्लिक करा रहे हैं। और वैसे तो आपको हिस्ट्री का बहुत शौक है और ऊपर जाना चाहते हैं तो 27 यूरो खर्चने का फ़ायदा है, नहीं तो फ़ोटो ही खिंचवानी है तो यहीं आ गया आप फ़ोटो अपनी क्लिक करा लें। देखो सारी दुनिया आपको यहीं दिखेगी, अंदर से ज़्यादा बाहर यहाँ पर लोग आपको दिखेंगे। मन्नी भाई मास्टर है, मन्नी को दे दो, असली मास्टर तो हमारा मन्नी है। देखो ओ मैडम द इंस्टाग्राम पोस्ट, ओए होए देख भाई ने क्या खींची है, वाह भाई मजनू भाई कमाल कर दिया भाई। तीनों की इशू, हाँ खींच दे, एक तो फ्री में तुम्हें फोटोग्राफर मिल रहा है, लोग खिंचवाना चाहते हैं। और ये देखो एक खींचने वाला होना चाहिए। स्टेशन से वैसे तो 1.7 किलोमीटर था, लेकिन आप आना चाहें तो स्टेशन से बस पे भी आ सकते हैं, टैक्सी करके भी आ सकते हैं अगर ज़्यादा ना चलना हो तो। जुलाई अगस्त में बहुत गर्मी हो जाती है, वैसे भी अभी धूप चुभ रही है, तो थोड़ा सा अपना छाता वगैरह ले गए आपको धूप से प्रॉब्लम है तो, और सनस्क्रीन वगैरह जरूर लगा लेना भाई। हम तो सामने वाली गली से आ गए थे लेकिन मेन एंट्री शायद उस तरफ है, वो जो गेट सा दिख रहा है उसके अंदर से, और ये बैप्टिस्ट्री। तो ये था भाई लीनिंग टावर ऑफ पीज़ा, और हम अब जा रहे हैं कहीं आगे। तो भाई आपको फ्रिज मैग्नेट वगैरह लेनी हो तो भी ये बाहर मिलती हैं, निकलते ही फुल ऑन टूरिस्टी प्लेस है भाई ये। और आपको कोई भी सुवेनियर लेना हो तो आप यहाँ से ले सकते हैं, 2 यूरो में मिल रही है फ्रिज मैग्नेट। Thank you.